हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। तो जी, आज का हमारा टॉपिक है HTML। आज हम पढ़ेंगे HTML के बारे में कि HTML क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज़ HTML? HTML क्या है? बेसिकली HTML क्या है? लैंग्वेज होती है, वेब डेवलपमेंट की एक लैंग्वेज होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसको यूज़ हम किस लिए करते हैं? हम क्रिएट करते हैं, क्रिएट करने के लिए, वेबसाइट्स को बनाने के लिए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी कि HTML का यूज़ करते हैं। HTML का यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं? अपनी वेबसाइट्स को बनाते हैं। ये हमारी प्रोग्रामिंग की पहली लैंग्वेज होती है, मतलब बेसिक लैंग्वेज जो है, ये फर्स्ट लैंग्वेज है जिसे हम जो बिगनर स्टार्ट करते थे, मतलब स्टार्टिंग में HTML यूज़ होती थी। इसको यूज़ करते हुए जो हमारे डेवलपर्स हैं वो क्या करते थे? वेबसाइट्स को क्रिएट करते होते थे। ठीक है, आज हम बेसिक्स पढ़ेंगे HTML के बारे में। हम इसको दो लेक्चर्स में कवर करेंगे क्योंकि आज ही हमें सारा कुछ समझ नहीं आ जाएगा इसके बारे में। ठीक है, इसके लिए हमें क्या चीज़ चाहिए होगी जिसके लिए हमें यूज़ करना है? वी नीड VS Code एक एडिटर होता है जिसकी हमें ज़रूरत होगी इसके लिए। ठीक है, VS Code आप डाउनलोड कर लें, इंटरनेट से जाके आप VS Code को डाउनलोड कर लें और उसके बाद उसके ऊपर हम अपनी कोडिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, VS Code के ऊपर हम अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। बेसिकली VS Code उसका कुछ ऐसा इंटरफेस होता है, ये VS Code है। इसके अंदर हम अपनी क्या करते हैं, कोडिंग की वेबसाइट्स को चलाते हैं। और इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी एक्सटेंशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, इसका नाम होता है लाइव सर्वर। इसका नाम होता है लाइव सर्वर। ये रही, ये फर्स्ट एक्सटेंशन है, ये फर्स्ट एक्सटेंशन है जो आपको डाउनलोड करनी होगी। ये डाउनलोड करने के बाद जो आपकी वेबसाइट है वो, मतलब आप गूगल के थ्रू उसको क्रोम के थ्रू देख सकेंगे। ठीक है, इसलिए ये फर्स्ट वेबसाइट जो है आपको वो ज़रूर ज़रूर डाउनलोड करनी होगी। इसके बगैर आप लोग अपनी वेबसाइट को, मतलब ब्राउज़र के ऊपर या क्रोम के ऊपर नहीं दे सकेंगे। तो प्लीज़ इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका नाम है लाइव सर्वर। ठीक है, लाइव सर्वर हमने डाउनलोड कर लिया। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, ये फाइल आपको नज़र आ रही है, इस फाइल में हमने जाके न्यू फाइल क्रिएट करनी है। यहाँ पे हम लिख देते हैं इंडेक्स, और जो HTML की फाइल होती है उसके साथ HTML ज़रूर लिखना होता है, नहीं तो वो हमारी फाइल मानी नहीं जाती। index.html। ठीक है, index.html के नाम से हमने एक अपनी फाइल बना ली। वो पूछ रहे हैं इस फाइल को आपने कहाँ पे रखना है। ठीक है, ये मैं इसको यहाँ पे रखती हूँ अपनी ई के अंदर, लोकल डिस्क ई के अंदर। ठीक है, मैंने ये फाइल क्रिएट कर ली। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि आपकी इंडेक्स नाम से एक कोर फाइल पड़ी हुई है, तो आप इसको यूज़ करना चाह रहे हैं पहले वाली फाइल को ही, तो ठीक है, उसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं पहले से, तो मैं कर देती हूँ। ठीक है, सिंपली मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। अच्छा, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं और ये फुल स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अच्छा जी, हमने सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसको डिज़ाइन देना होता है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको Shift+1 प्रेस करेंगे। ठीक है, ये फैक्टोरियल का साइन आ जाएगा, आपको एंटर प्रेस करेंगे तो आपको HTML की बनी बनाई बॉडी मिल जाएगी। ठीक है, ये देखिए, ये सब कुछ लिखा मिल जाएगा, आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने आप। मैं दोबारा कर देती हूँ बैक, इसको मैं सारा कंट्रोल ए करके इसको मैंने किया डिलीट। दोबारा से मैं Shift+1 कर रही हूँ, तो ये फैक्टोरियल का साइन आएगा, आपने एंटर कर देना। एंटर करेंगे, ये आपकी सारी की सारी क्या बनी है, आपको डॉक्यूमेंट एक बना आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट, ये टाइटल होता है आपके पेज का, बेसिकली आपकी वेबसाइट का पेज टाइटल होता है। तो यहाँ पे लिख दें आप माय फर्स्ट वेब पेज, आपकी अपनी मर्जी है, आप कुछ भी लिख दें यहाँ पे, आपकी मर्जी होती है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने अपनी बॉडी सेक्शन के अंदर काम करना शुरू करना है। एक पी टैग होता है, पी प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे, एक टैग बन जाएगा। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं हेलो फ्रॉम HTML। ठीक है, ये मैंने लिख दिया हेलो फ्रॉम HTML। अब हमने ना इसको देखना है इंटरनेट के ऊपर, ये हमारा वेब पेज एक क्रिएट हो गया, इसको हमने देखना है। यहाँ से आप अपनी जाएंगे, यहाँ पर आप कहेगा ओपन विद लाइव सर्व। ठीक है, आप इसको क्लिक करेंगे, इस एक्सटेंशन को खोलेंगे, जैसे ही आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये आपको आपके ब्राउजर के ऊपर ले जाएगा। ठीक है जी, ये देखें, ये आपका फर्स्ट HTML का वेब पेज आपका क्रिएट हो गया, ये लोडिंग हो रही है। ठीक है, ये सारा वो बता रहा है कि आपने किस लैंग्वेज में रखना है, इसके अंदर क्या क्या यूज हुआ, ओवर आपने ऐसे कर देना है नॉट नो। ठीक है, इसको रिफ्रेश किया,
अच्छा जी, इसको लैंग्वेज सेट करने का पूछ रहा है, वो मैं इसकी लैंग्वेज सेट करती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। तो जी मैंने इसकी सेटिंग टहल ली है। बेसिकली ये ना आपके इंटरनेट एक्सप्लोरर पे नहीं चलता, इसको आपको अपने गूगल पे चलाना होगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपने जहाँ पे ये डायरेक्टरी जिस फाइल में सेव की है ये यहाँ पे आप अपना राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने इसको करना है ओपन। ठीक है, ये यहाँ पर आ रहा होगा आपका ओपन विद। ठीक है, ओपन विद आपने इसको क्या कर देना है, गूगल क्रोम। ये आपने गूगल क्रोम के साथ इसको ओपन किया, ये देखें ये आपका लिखा आ रहा है हेलो फ्रॉम HTML जो हमने ये लिखा था। मैं इसको आपको जूम करके दिखा देती हूँ। ठीक है, ये हम अपना जूम करके दिखा देते हैं। ये देखें ये जो हमने अपना फर्स्ट वेब पेज बनाया था ना, हेलो फ्रॉम HTML जो यहाँ पे अपनी हमने यहाँ पे लिखा था, ये देखें हेलो फ्रॉम HTML। अगर हम यहाँ पे कुछ और लिखते हैं, फर्ज करें अब ये पी टैग है, पी टैग दोबारा से पी टैग लगाते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम पैराग्राफ टैग होता है बेसिकली, ये इसके अंदर हम लिखते हैं दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। ठीक है, ये मैंने लिखा दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। अब इसको साथ ही आपने कंट्रोल एस कर देना, सेव कर देना। दोबारा आप इसको अपने गूगल पे जाएंगे, आपने इसको करना है रिफ्रेश। ठीक है, ये देखें लिखा आ गया दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। अब आपने क्या करना है, अगर आपने इसको हेडिंग्स में देना है तो अब आप पी टैग्स की बजाय यहाँ पे हेडिंग्स भी यूज कर सकते हैं। मैं H1 टैग यूज कर रही हूँ, H1 टैग यूज किया मैंने, यहाँ पे लिख दिया खाली हेलो वर्ड। ठीक है, हेलो वर्ड लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब इसको मैंने दोबारा से सेव किया, ये आपको देखें ये हेडिंग में लिखा है तो ये आपको सबसे बड़ा लिखा हुआ नजर आएगा। अब इसको मैंने रिफ्रेश किया, ये देखें ये आपको बड़ा लिखा नजर आ रहा है क्योंकि इसको मैंने किसके अंदर लिखा है, हेडिंग्स के अंदर। अब मैं दोबारा आपको कोई और हेडिंग यूज करके दिखाती हूँ, H2 टैग यूज करके दिखाती हूँ आपको। H2 टैग यूज किया, यहाँ पे दोबारा मैं लिख देती हूँ हेलो, कंट्रोल एस किया, दोबारा हम अपने क्रोम पे गए और इसको दोबारा रिफ्रेश किया, ये देखें ये इससे छोटा नजर आ रहा है। इसके बाद हमारे और भी टैग्स होते हैं, मतलब हेडिंग्स और भी होती हैं। H3 के अंदर हम लिख के देखते हैं, H3 के अंदर लिखेंगे इससे भी छोटा लिखा नजर आएगा। फर्स्ट पेज लिख देती हूँ यहाँ पे, फर्स्ट पेज। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, इसके आगे मैं ये कर देती हूँ, आपकी अपनी मर्जी है, जैसे मर्जी लोडिंग वाला साइन ING। ठीक है, ये लोडिंग लिख दिया मैंने, आपकी मर्जी है, आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं। ये देखें जी, अब इसको पेज को मैंने दोबारा रिफ्रेश किया, ये देखें फर्स्ट पेज और इसकी लोडिंग आ रही है। ठीक है, और इस तरह आपने अगर कुछ भी और भी डिजाइन करना है, अपने H4 टैग भी होता है बेसिकली हमारा H4, इसके अंदर हम लिखते हैं तो यहाँ पे पेज लोडिंग को मैं नीचे लेके जाती हूँ, आपकी मर्जी है, जिस तरह मर्जी लिख दें। ठीक है, एंटर करूंगी, एक हमारी बेसिकली डिव बन गया, अभी हमें इसको इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको मैं कंट्रोल सी कर देती हूँ और यहाँ पे लिखती हूँ लोडिंग, वो हमारी डिव बन जाती है। डिव के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि डिव क्या होता है। ठीक है, इसको मैंने कंट्रोल एस किया, दोबारा रिफ्रेश किया, ये देखें ये उस तरह यहाँ आ गया लोडिंग। अब आपकी अपनी मर्जी, आप जिस तरह मर्जी अपने इस वेब पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। ये देखें मैंने इस अपने वेब पेज को डिज़ाइन किया, मैं यहाँ पे कुछ और भी लिख सकती हूँ। अब देखें ये मेरा H4 टैग बंद हो गया बॉडी के ऊपर, ये ठीक है, ये बॉडी से ऊपर ऊपर आपने काम करना है यहाँ पे। अब इसके अलावा मैं यहाँ पे कुछ और भी लिखना चाहती हूँ, जैसे मैं कुछ, आपकी मर्जी, आप पैराग्राफ टैग के अंदर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं, एंड ऑफ माय पेज लिख देती हूँ मैं, एंड ऑफ माय पेज। ठीक है, ये लिख दिया कंट्रोल एस से आप इसको सेव करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोबारा, ठीक है, एंड ऑफ माय पेज, ये देखें ओड एंड ओड लिख दिया मैंने, एंड ऑफ लिखना था यहाँ पे, सॉरी माय मिस्टेक। ठीक है, एंड ऑफ लिख दिया, अब इसको हम दोबारा से रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश किया, एंड ऑफ माय पेज। ठीक है, अब हम एक और पैराग्राफ टैग लगाते हैं H1 टैग के अंदर, हेडिंग के अंदर हम लोग लिखते हैं, हेडिंग के अंदर लिखते हैं लेट्स लर्न टुगेदर। ठीक हो गया, लेट्स लर्न टुगेदर, दोबारा हमने इसको कर दिया कंट्रोल एस, हम लोग दोबारा गए, दोबारा जाके इसको रिफ्रेश किया जी, ये देखें जी
दिखा गया लेट्स लर्न टूगेदर, ये बोल्ड लिखा आ रहा है क्योंकि मैंने इसको H1 टैग के अंदर रखा है, मतलब बोल्ड हेडिंग के अंदर लिखा, हेडिंग मतलब फर्स्ट टैग के अंदर रखा है हेडिंग के, इसलिए ये हमें बड़ा लिखा हुआ नजर आ रहा है। आप सोच रहे होंगे मेरा गूगल ब्लैक क्यों है, तो जी मैंने इसको ब्लैक खुद ही सेटल किया हुआ है, आंखों के अंदर व्हाइट लाइट बहुत ज्यादा जाती है इस वजह से इसको मैंने खुद ब्लैक सेट किया हुआ है। अगर आप इसको करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि मैंने इसको कैसे ब्लैक किया है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगी। फिलहाल के लिए हमारा इतना ही। ये देखें हमने जो अपनी पेज का नाम रखा था, ये हमारी डायरेक्टरी है, ई डायरेक्टरी के अंदर हमारी इंडेक्स नाम की फाइल है, HTML में बनी हुई है, और ये देखें ये लिखा रहा है, और जो ऊपर ये देखें माय फर्स्ट वेब पेज, ये मैंने अपने पेज का नाम रखा था माय फर्स्ट वेब पेज, ये टाइटल के अंदर, यहाँ पे आप अपना कुछ भी लिख सकते हैं। अगर मैं फर्स्ट वेब पेज की जगह यहाँ पे लिख दूँ HTML लिख देती हूँ, HTML, अब इसको मैंने कंट्रोल एस किया, देखें आप आपको भी यहाँ पे ऊपर HTML खाली लिखा हुआ नजर आएगा, ये देखें खाली HTML मिल गया ना। ठीक है, ये सारी हमने चीजें की, इसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हैं, जो अपनी वेबसाइट इसके थ्रू बना सकते हैं, अगर आपने इसके अंदर कुछ और भी लिखना है, अगर आपने इसके अंदर कोई पैराग्राफ ऐड करना है तो ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, जैसे मर्जी आप इसके साथ खेल सकते हैं। आपको मैंने फाइल बनानी सिखा दिया, इसके बाद इसका यूज करना सिखा दिया, आपने जस्ट सिंपल Shift+1 करना है, आपका डिजाइन ऑटोमेटिकली बना बनाया मिल जाएगा, आपको एक टेम्पलेट होती है ये बनी बनाई बेसिकली मिल जाती है, फिर आपने अपना टाइटल सेट कर लेना, और हाँ आपने जो लिखना है वो अपने मेक श्योर करना है कि वो आपकी बॉडी सेक्शन के अंदर ही हो। ठीक है, हेड सेक्शन के अंदर हम लिख के देख लेते हैं, हेड सेक्शन के अंदर भी लिखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे भी हमने H1 टैग लगाया, और इसको हम लिखते हैं हेलो। हेलो लिखने के बाद हम ये फैक्टोरियल के साइंस लगाते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, दोबारा जाएंगे जी हम अपने वेब पेज को सेट करेंगे। अब आपका ये क्वेश्चन बनता होगा कि हेलो ऊपर क्यों आ गया, बॉडी सेक्शन से सबसे ऊपर क्यों लिखा आ गया, क्योंकि हेड सेक्शन के अंदर हमने वो लिखा है, हमारा ये हेड है, हमारे वेबसाइट का हेड है ये, इस वजह से ये जो भी अब मैं लिखूंगी हेड सेक्शन के अंदर, वो बॉडी सेक्शन के ऊपर हमें लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, मैं आपको दोबारा लिख के दिखा देती हूँ, अब यहाँ पे H4 टैग यूज करती हूँ, लिखती हूँ हेलो फ्रॉम HTML। ठीक है, इसको मैंने कंट्रोल एस से सेव किया, मैं दोबारा यहाँ पे गई और इसको मैंने ये किया, ये देखें हेलो फ्रॉम HTML, ये बॉडी सेक्शन से ऊपर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, हेड टैग है हमारा, इसलिए ये हमारा कहाँ पे लिखा हुआ नजर आएगा, बॉडी सेक्शन के अंदर। ये देखें अब ये सारी चीजें हमें नजर आ रही है, ये हमारी सारी, ये हमारा वेब पेज है जो हमने फर्स्ट अपना वेब पेज बनाया। इसको हम फर्दर अगर आपने सीखना चाहते हैं तो इसके बारे में कल एक और वीडियो भी बनाएंगे, इसके बारे में हम सीखेंगे, फिर इसके बाद हम सीखेंगे कि इस वेब पेज को हम डिज़ाइन कैसे करते हैं, डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं, इसमें कलर कैसे करते हैं, सारा कुछ कैसे करते हैं, वो हम अपनी CSS के थ्रू सीखेंगे। CSS भी एक लैंग्वेज है, उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे या परसों पढ़ेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, रमज़ान का महीना है, मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, और तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, ख्याल रखिएगा अपना, रब रखा, टेक केयर।